चार्ट ऑफ द मंथ का तीसरा शेयर देखते हैं। तो फ्रेंड्स चार्ट ऑफ द मंथ का तीसरा शेयर रहेगा हमारा BHEL बहेल। देखिए फ्रेंड्स कितने लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर। ये थे फ्रेंड्स इसके 2011 के आसपास के जो हाइज थे, 280 रुपये के आसपास का प्राइस था। वहाँ से प्राइस ने गिरना शुरू किया फ्रेंड्स। देखिए कितनी अच्छी गिरावट हुई फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ पे एक बार रिकवरी भी मारी थी 2013 के बाद फ्रेंड्स 14 के आसपास, लेकिन वापस से प्राइस नीचे गया फ्रेंड्स। यहाँ भी नहीं रुका, उसके बाद भी फ्रेंड्स नीचे जाता रहा और ये लोज लगाए ने 14 रुपये के आसपास के, उन 14-15 रुपये के आसपास के लोज लगाए। उसके बाद प्राइस में आया रिवर्सल फ्रेंड्स, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद फ्रेंड्स इसने एक तरफा रैली किया और 75 रुपीज़ तक के हाइस लगाए, वहाँ पे वापस से डबल टॉप बनाया और फिर करेक्शन आया थोड़ा। उसके बाद सपोर्ट लिया फ्रेंड्स इन्हें 40 रुपीज़ के आसपास आके प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाया रहा फ्रेंड्स। अब देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है इन लेवल का। ये जो लेवल है फ्रेंड्स लास्ट वाले जो हाइस थे इसके 2021 मई के, उनको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में नीचे वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स ये 55 रुपये के आसपास, 55 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारे जो पहले टारगेट है वो 110 रुपये, उसके बाद के 180 रुपये और उसके बाद वाले 280 रुपये के आसपास के रहेंगे फ्रेंड्स टारगेट हमारे। फ्रेंड्स हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे और इन्वेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स हम एक साल से ज़्यादा समय के लिए हम होल्ड करके रखते हैं फ्रेंड्स मिनिमम शेयर को।